ग्राम वलन में बीओ के औचक निरीक्षण के दौरान नशे के धुन में मिला शिक्षक तत्काल करवाया मेडिकल टेस्ट। विकासखंड के जनशिक्षा केंद्र कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आने वाली शासकीय उत्कृष्ट प्राथमिक विद्यालय वलन के शिक्षक द्वारा एक महीने से स्कूल नहीं खोलने की शिकायत ग्राम वासियों ने बीओ को की थी। शिकायत बाद बीओ और बीआरसी द्वारा शाला का अवलोकन भी किया गया। उस दौरान शाला बंद होकर शिक्षक दिनेश यादव शाला में अनुपस्थित पाए गए। वहीं शुक्रवार को भी बीओ आशीर्वाद और निरीक्षण के लिए वलन पहुंची। वहां पर शिक्षक दिनेश यादव और जनशिक्षक जतन सिंह सोलंकी स्कूल में उपस्थित मिले। विद्यालय के कमरों में बारिश का पानी भरा हुआ था। वहीं शिक्षक दिनेश यादव और जनशिक्षक से बीओ बात करना चाहिए तो दोनों ही नशे के धुंध में दिखाई दिए। इसके बाद बीओ पवार ने तत्काल दोनों को मेडिकल टेस्ट के लिए पार्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए। वहां पर डॉक्टर ने शिक्षक का मेडिकल टेस्ट कराया। वहीं जनशिक्षक मौके से नदारद हो गए। बीओ ने बताया कि शिक्षक का मेडिकल कर पंचनामा बनाया गया है। वहीं संबंधित शिक्षा और जनशिक्षा के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा है। शिक्षक का मैंने मेडिकल करवाया है और पूरा पंचनामा बना करके पूरे हमारे जो निरीक्षण का 2-3 दिन के हमारे प्रतिवेदन है जो हमारे प्रिंसिपल ने 22 तारीख को वहाँ पे अवलोकन किया था और जो मैंने आज के पूरे वीडियो बनाए हैं वहाँ के सभी में पूरा प्रकरण तैयार करके हमारे विभागीय अधिकारी श्रीमान सहायक आयुक्त महोदय को कार्रवाई के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि शिक्षक की लापरवाही है, जनशिक्षकों की लापरवाही है जो एक माह उपरांत भी उस विद्यालय का अवलोकन नहीं करते हैं। अब रिपोर्ट जब आएगी, हमें जो डॉक्टर साहब ने बताया है कि उनका ब्लड सैंपल लिया है, ब्लड सैंपल भेजने के बाद में जो भी रिपोर्ट आएगी वो सामने होगी। लेकिन शिक्षक हमारे शराब के नशे में थे। मैम उचित क्या कार्रवाई हो रहेगी? कार्रवाई हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को करनी है। मैंने जो अपने निरीक्षण में पाया है समस्त सहपत्रों सहित मैं उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई का प्रस्ताव अभी आज ही सहायक आयुक्त महोदय को भेज रही हूँ। ग्राम वलन में बीओ के औचक निरीक्षण के दौरान नशे के धुन में मिला शिक्षक तत्काल करवाया मेडिकल टेस्ट। विकासखंड के जनशिक्षा केंद्र कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आने वाली शासकीय उत्कृष्ट प्राथमिक विद्यालय वलन के शिक्षक द्वारा एक महीने से स्कूल नहीं खोलने की शिकायत ग्राम वासियों ने बीओ को की थी। शिकायत बाद बीओ और बीआरसी द्वारा शाला का अवलोकन भी किया गया। उस दौरान शाला बंद होकर शिक्षक दिनेश यादव शाला में अनुपस्थित पाए गए। वहीं शुक्रवार को भी बीओ आशीर्वाद और निरीक्षण के लिए वलन पहुंची। वहां पर शिक्षक दिनेश यादव और जनशिक्षक जतन सिंह सोलंकी स्कूल में उपस्थित मिले। विद्यालय के कमरों में बारिश का पानी भरा हुआ था। वहीं शिक्षक दिनेश यादव और जनशिक्षक से बीओ बात करना चाहिए तो दोनों ही नशे के धुंध में दिखाई दिए। इसके बाद बीओ पवार ने तत्काल दोनों को मेडिकल टेस्ट के लिए पार्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए। वहां पर डॉक्टर ने शिक्षक का मेडिकल टेस्ट कराया। वहीं जनशिक्षक मौके से नदारद हो गए। बीओ ने बताया कि शिक्षक का मेडिकल कर पंचनामा बनाया गया है। वहीं संबंधित शिक्षा और जनशिक्षा के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजा है। मिशन की ड्यूटी में थी लेकिन 12 तारीख को वलन के जो हमारे निवासी हैं उनके द्वारा वहां के शिक्षक की एक शिकायत की गई थी मुझे कि एक माह से वो शिक्षक हमारा स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो आज मुझे अचानक मालूम पड़ा कि वो शिक्षक स्कूल पहुंचे हैं क्योंकि मैं कल से उन स्कूल की चाबियों के लिए परेशान हो रही थी। उनके द्वारा चाबियां भी नहीं दी जा रही थी। आज जब मैं वहाँ पे पहुँची तो शिक्षक विद्यालय में थे लेकिन पूरा विद्यालय में पानी ही भरा हुआ था। कई बच्चों के बैठने की व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही थी। इसलिए मैंने तत्काल मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो शिक्षक हमारे शराब के नशे में हैं और हमारे जो जनशिक्षक है जतन सोलंकी वो भी शराब के नशे में थे। मैंने अस्पताल में फ़ोन किया दोनों के मेडिकल के लिए लेकिन ड्यूटी डॉक्टर एक ही होने के कारण उनके द्वारा ये कहा गया कि अगर मैडम आप उनको यहाँ ले आएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। एक बाइक पे शिक्षक को हम लोग यहाँ लेके पहुँचे हैं, जनशिक्षक को भी लेके आए थे लेकिन जनशिक्षक अस्पताल के बाहर से ही नदारद हो गए। शिक्षक का हमने मेडिकल करवाया है और पूरे प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई का प्रतिवेदन मैं सहायक आयुक्त महोदय को आज ही भेज रही हूँ।